नहीं था, ये सब झूठा बंदा ये है। मैंने कोई झूठ बोला नहीं, आपने उनको मैसेज किया था। अच्छा अभी मैसेज किया था, आई विल पिक यू फ्रॉम एयरपोर्ट, आपने कहा। सोफे का कपड़ा देखो आप, फर्नीचर देखो, घास देखो आप, जितना मर्जी। लेकिन इसको थोड़ा ऊंचा करना चाहिए, प्रेसिडेंट के सिंहासन जैसा। किसको? आपके चेयर को। अच्छा, इसको? मैं मुझे लग रहा है पीछे डॉक्टर गुलाटी साइकिल पंक्चर को। अच्छा, इसको ऊंचा करना चाहिए। कपिल शर्मा का शो। मुझे मार ना देना इतनी तारीफ कर करके। कपिल, कपिल, ओहो, ओह, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? मैं सुबह 4 घंटे से वैन में रेडी बैठी हूँ। अरे मुझे बुलाया नहीं सानिया, यू टू? आई टोल्ड हिम टू कॉल यू, ही सेड नहीं नहीं बैठी रही, अरे क्या है? मुझे लगा आप रेडी नहीं हुई हैं। आपने कहा था मैं चेंज करके आती हूँ, चेंज करके नहीं आई आप? नहीं, I'm just kidding, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। आते ही मैं शो में आती क्यों, अपनी बेइज्जती कराने के लिए? और नाम के लिए जोरदार तालियां। 1 मिनट, ये जो सोफा पहन के आदमी सोफे पे बैठा है, जो इन्होंने मुझे कहा था कि ये मुझे एयरपोर्ट से पिक करके यहाँ पर लेके आ रहे हैं। देखो गुस्सा कपिल पे है, बिल मेरे पे काट रही हो, कमाल कर रही है। वो बिजी थे, उनको मुझे वो बिजी किसके साथ आए? सानिया को लेकर आए, वो सानिया को लेकर आए। सिद्धू जी, मैंने मजाक में एक बार क्या बोल दिया कि मुझे वो सीट बहुत प्यारी लगती है। आप मुझे वैन में ही छोड़ा है। मुझे पता भी नहीं था, ये सब झूठा बंदा ये है। मैंने कोई झूठ बोला नहीं, आपने उनको मैसेज किया था। अच्छा अभी मैसेज किया था, आई विल पिक यू फ्रॉम एयरपोर्ट, आपने कहा। मुझे शर्म ही आ गई यार। अब प्लीज प्लीज बैठिए यहाँ पे, मैं तालियां। हेलो एवरीबॉडी। नहीं, मुझे आके ये बोल रहे थे कि मैं ट्रैफिक में फंस गया, वो उल्टा बहाना लगा रहे थे। सानिया की वैन को ट्रैफिक कह रहे हैं आप? मतलब मैं भी सोचूं, ये ट्रैफिक में फंस ही नहीं सकते। कपिल आज बड़े हैंडसम लग रहे हो। ओह थैंक्स सोरा, बिल्कुल ऐसे जेल से छूट के आए हो ऐसे लग रहे हो। आज कोई नहीं बजेगा बेटा, कोई नहीं बजेगा आज। आज क्या खा के आई हैं आप? आज देखो, मेरे को अगर 4 घंटे तुम लोग वेट कराओगे तो फिर ऐसे ही होगा। ये हीरोइन नहीं है, डायरेक्टर है फरा, लेकिन बहुत क्यूट है, पता है हमारे लिए कितना सारा खाना लेके आई। हवा दे रहा है, बहुत अच्छा। सारा खाना लेके आई। अच्छा, आप सच में बना के लाएंगे? बच गया था यार। देखो, एक तो मैं प्यार से हाथों से बनाकर अपने कुक को खुद फोन पे मैंने बोला है कैसे खाना बनाना है। अच्छा, पहले झूठ निकलने लगा था, अपने हाथों से फोन किया मैंने कुक को। आपको लगता है फरा खान कुकिंग करती है? सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा, फरा है फिल्म इंडस्ट्री से, सानिया है स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से, और फरा को देख के लगता नहीं कि आपका स्पोर्ट्स से दूर दूर तक तो कोई लेना देना होगा। तो आपकी दोस्ती हुई कैसे थी वैसे पहली बार? एक्चुअली हमने बिल्कुल सही कहा है, द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन अ मैच एवर, रियली क्रिकेट या टेनिस जो भी any है फॉर हर एनी मैच, कोई भी मतलब अच्छा कोई भी मैच ग्राउंड में, एनी स्पोर्ट। जब लास्ट ईयर में ये विंबलडन में पहली बार मतलब फाइनल तक पहुंची थी, एंड बिकॉज आई वॉज इन लंडन, शी फोर्स्ड मी कि तू लंडन में यू आर नॉट कमिंग टू वॉच। शी हैज नो इंटरेस्ट, शी हैज जीरो इंटरेस्ट, एंड आई थिंक दैट्स व्हाई वी आर सो क्लोज। लेकिन इट इज ट्रू, जैसे इसको फिल्मों में जीरो इंटरेस्ट है, तो प्रेशर आता है। मैंने वो मैच देखा था जब फरा भाई थी, पर मैंने पर अच्छा वहां तो बड़े सोफिस्टिकेटेड लोग होते हैं, आप कहां चली गई? मतलब फरा अकेली थी जिनका वो सुन रहा था किसी और सानिया को। सानिया मिक्स डबल्स खेल रही थी तभी, और उसका पार्टनर बड़ा क्यूट था, व्हाट इज हिज नेम, ब्रूनो। ब्रूनो, तो एक ही आवाज आती थी, कम ऑन ब्रूनो। ब्रूनो भी शॉक में आ गया कि देखो पास। लेकिन फरा मैम, आपको मैं तो अखबार में खबर पड़ी कि आप ऑस्ट्रिया स्लिम डाउन होने गई थी। ये बेइज्जती आपने। लेकिन कपिल सच्ची, मेरा स्पोर्ट्स में इतना मतलब आई हैव जीरो इंटरेस्ट। जब मेरा बेटा फुटबॉल मैच खेलने जाता है, जब वो सेमीफाइनल्स तक पहुंचे, आई वाज द ओनली मदर हु वाज सो हैप्पी कि वो लोग मैच हार गए तो फाइनल्स में नहीं जाना पड़ेगा इनको देखने। बाकी सारे मम्मी डैडी बोले अरे लाइक हार गया बच्चा, थैंक गॉड अभी नहीं जाना पड़ेगा। हाउ सेल्फिश मदर यू आर फरा। कभी गए हो सुबह 7 बजे उठ के टाउन फुटबॉल की धूल खाने?
एक्चुअली बड़े प्रॉब्लम होती है सुबह से उठना पड़े ना जैसे कभी हम लोग अक्षय पाजी के साथ शूटिंग करते ना 6 बजे आ जाओ घर पे मैंने कहा क्यों जागरण खत्म करके वो बैठे हो आप 6 बजे कौन बुलाता है अपने घर पे अक्षय कुमार आता मैं बड़ा खुश होता हूँ क्योंकि ये सेट पे 10:30 आ जाता है नहीं तो ये रात को 11 बजे शुरू करता है सवेरे 4 बजे खत्म करता है आप कब आते हो सर क्या कह लेता है मैं तो अरे मजबूरी नारी शक्ति एक आप ही हो जो इनको चुप करा देती नहीं तो ये किसके काबू में आते नहीं है मैं इनके आगे नहीं बोल सकता गुरु अच्छा पाजी इतनी पक्की सहेलियां हैं हाँ आपका फर्ज बनता था सहेली नहीं सखी कहो सखियां दोनों बालिकाएं हैं इतनी प्रिय सखियां हैं कि आपका फर्ज बनता था कि सानिया की शादी में आप जाएं हाँ वो तो आप गई क्यों नहीं फिर कुछ प्रॉब्लम हो गया था क्या था मेरे बच्चे पैदा हो रहे थे तभी कुछ तो हो रहा था बच्चे पैदा मतलब कितने दिन हो रहे थे पैदा अगर मैं कंट्री में हूँ और शूटिंग नहीं हो तो आई एम देयर फॉर एवरीथिंग जो भी हो रहा होगा आगे भी अगर शादियाँ होगी तो मैं जरूर पहुँचूंगी इसकी नहीं इसकी बहन की हो रही है आई मस्ट हैव नॉट बीन इन द कंट्री क्योंकि सानिया की बर्थडे होती है तो मेरे घर पे सेलिब्रेट होती है ये रहती है आके जब बॉम्बे में होती है तो शी स्टेज विद मी तो आप सच्ची प्यार करती हैं कि होटल का खर्चा बचाती है हम लोग वो ट्विटर वाले दोस्त हैं वो सेल्फी लेके डालने एक दूसरे के फॉलोअर्स बढ़ाते हैं मैं बहुत बार देखी है आज नहीं ली हमने कोई भी फोटो यार आज हम बाद में लेंगे कपिल तुम्हारे भी फॉलोअर्स बढ़ा देंगे तेरी भी लाइफ बना देंगे हम लोग मैंने बोला था ये बहुत डेंजरस है मेरे को बहुत खतरा है आज अबे मेरी मौत आई है मैं वहां आ जाऊंगा नहीं बट आई टोल्ड हर आने से पहले ऐसे फरा हमें थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि हम दोनों थोड़ा आपू से बाहर हो जाते हैं इसमें कोई दो राय नहीं है आप तो आपे से बाहर होते हैं हम तो चैनलों से बाहर हो जाते कपिल तुम जहां भी जाओ देखो हम लॉयल हैं वी आई लव यू फरा लेकिन अब भगवान के लिए अभी आ ही रहना नहीं अभी ठीक है इन्होंने बड़ा खर्चा किया है लग रहा है दिखाई नहीं दे रहा हालांकि ये पेड़ पौधे वगैरह हमने बोले नहीं थे इन्होंने अपनी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री लगाए सिद्धू पाजी बहुत हंस रहे हैं मुझे पूछना है सब चीज नई बनाई है वो कुर्सी भी नई ले आते हैं सिद्धू जी वही से उठा के ऐसे लेके आ गए यार अभी होगी आपकी आंख इस कुर्सी पे ही है अभी भी मैं देख रहा हूँ एक्चुअली सिद्धू जी कुर्सी के आगे जो है उस पे है मेरी आंख But how he is blushing? और क्या करूं बाबा? But बाजी last time मैंने आपको पूछा था last time आपने कहा हाँ हाँ मैं किसी के लिए कुर्सी नहीं छोड़ूंगा सिर्फ तुम्हारे लिए छोड़ूंगा कहा था इन्होंने आपको बोला था In front of you तो वो offer आज भी है कोई चक्कर ही नहीं है But अभी आप No you sit take it from him and then give it to me From one sports person to another. मैं भी ना actually अपने retirement plan सोच रही हूँ किधर किधर जाके मैं हंसूं कौन से शो में जाऊं ये मेरी कुर्सी कतरे में गुरु ये मेरी दुकान बन जा रही है सिद्धू जी उठा के ला प्लेन में भी यही स्पेस सीट पर बैठे बेल के नीचे लगी हुई है मरवा दिया यार Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates